हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, मंकी और क्रोकोडाइल की कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट लास्ट में किस तरह से क्रोकोडाइल उसको बिट्रे करता है, धोखा देता है, बट लास्ट में वो रियलाइज करता है कि ही हैज लॉस्ट बेस्ट ऑफ द फ्रेंड, कि बेस्ट फ्रेंड को उसने, ही हैज लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? तो हमें जो है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि यहाँ से एक मैसेज कन्वे हो रहा है। क्या मैसेज है? कि नेवर ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली। किसी पे भी हमें बिना सोचे समझे जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसको जो है समझना चाहिए और तब उस पर विश्वास करें। तो नेवर ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली। क्लियर? तो ये हमारे जो है यहाँ पे मैसेज कन्वे हुआ है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्लियर? तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। क्लियर? तो कौन सी बुक का है बच्चों? पैक्ड विद द सन सप्लीमेंट्री बुक है। तो अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया है कि किस तरह से क्रोकोडाइल की वाइफ की एक विश थी कि क्या चाहती थी वो, शी वॉन्टेड टू ईट हिज फ्रेंड्स हार्ट। और किस तरह से वो एक प्लान करता था, बट वो नहीं चाहता था अपने फ्रेंड को धोखा देना, बट क्योंकि उसकी वाइफ की विश थी उसको पूरा करने के लिए, ही मेड अ प्लान। और क्या प्लान था? कि उसको इनवाइट करता है अपने घर में, खाने के लिए इनवाइट करता है, और किस तरह से अपना इंटेंशन, अपना उद्देश्य बताता है एट द मिडल ऑफ द रिवर। क्लियर? जब वो बीच में पहुंच के वो क्रोकोडाइल अपना इंटेंशन बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ। और ऑब्वियस है कि कोई भी ये सुन के शॉक्ड होगा, क्योंकि उसको एक ट्रस्ट था अपनी दोस्ती पे। ये बच्चों, हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी सिंपल सा एक हम यहाँ पे स्कैन करते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। तो एक मंकी था, कहाँ रहता था? लिव्ड ऑन अ ट्री, एक ट्री के ऊपर रहता था। खुश था? यस। Obviously, he was happy. But lonely. क्या चाहता था वो? He wanted a companion and he also wanted to share his fruit. Share करना चाहता था। और एक दिन कौन आया? One day a crocodile appeared. Crocodile appeared in a riverside. कहाँ पे आया? Riverside. He wanted a companion and shared his fruit. फिर एक दिन क्या आया बच्चों? एक क्रोकोडाइल अपीयर्ड ना रिवर साइड पर। क्या बन गए वो? फ्रेंड बन गए। और उसने क्या ऑफर करा उसे? डिलीशियस फ्रूट्स। ही बिकेम बेस्ट फ्रेंड। क्या करते थे वो? दे टॉक्ड इसके बारे में बात करते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स के बारे में बात करते थे, एनिमल्स के बारे में बात करते थे। और क्या करते थे? प्रॉब्लम लेजर्स प्रॉब्लम। इससे क्या होता था कि वो लेट घर पहुंचता था और उसकी वाइफ जो थी क्या होती थी? एनॉयड, गुस्सा करती थी। और एक दिन उसने अपनी विश रखी क्रोकोडाइल की,
वाइफ की विश क्या थी बच्चों? क्रोकोडाइल वाइफ क्या थी विश? वॉन्टेड टू ईट, वॉन्टेड टू ईट हिज फ्रेंड्स हार्ट. फिर उसने क्या करा बच्चों? ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, इनवाइट करा, डिनर में इनवाइट करा, और उसने इनवाइटेड और जैसे ही वो जा रहे थे एट द मिडल ऑफ द स्ट्रीम और रिवर, क्रोकोडाइल ने जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाया और क्या करा, ही टोल्ड, क्रोकोडाइल टोल्ड हिज इंटेंशन टू हिज फ्रेंड. क्लियर? क्या बोला कि मैं, मेरी वाइफ जो है वो क्या खाना चाहती है? तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू किल यू, राइट? और ये सुनकर क्या क्रोको मंकी खुश हुआ बच्चों? ऑब्वियसली उसने माइंड से सोचा और फाइनली उसको परस्यूट करा, मनाया कि गो बैक, कि मेरा हार्ट कहाँ है, इट इज ऑन द ट्री, और जल्दी से हम इसको लेके आते हैं. और जैसे जैसे वो वहां पे ही जंप्ड onto the tree, और उसने किस तरह से कहा कि तुम्हारी वाइफ को किसकी जरूरत है? फ्रेश फ्रूट्स की जरूरत है, क्योंकि फ्रेश फ्रूट फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड हेल्थ. मंकी वॉज शॉक्ड बट ही टोल्ड हिम दैट हिज हार्ट, ये हार्ट कहाँ है, इज ऑन द ट्री. और इसलिए हमें क्या करना है, वापस जाना है टू गेट इट बैक. और किस तरह से वहां जाते हैं और जंप करके मंकी जो है ट्री में जाता है और फाइनली वो किस तरह से अपनी जान बचाता है, ही सेव हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपना माइंड यूज करा, ठंडे हाथ से सोचा है. अगर वो उस समय गुस्सा करता जब उसने बताया था ही टोल्ड हिज इंटेंशन टू फ्रेंड, तो मे बी उसकी जान जो है खतरे में होती. तो उसे पता था कि उसकी लाइफ क्या है, डेंजर डेंजर में है, डेंजर जोन में है. तो दैट इज व्हाई उसने एक प्लान करा और वो परस्यूट करके वापस कहाँ ले जाता है, रिवर साइड में. और क्या बोलता है, ही टोल्ड दैट हिज हार्ट इज ऑन द ट्री, सो वी हैव टू गो बैक टू गेट इट बैक. और इस है, और फ्रूट्स जैसे ही जम करा ट्री पास के ब्रांच से फ्रूट्स तोड़ के ही थ्रू देम डाउन. और किस तरह से उन्होंने कहा, फ्रूट्स जो अपनी वाइफ के लिए ले जाओ, बिकॉज फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड फॉर बॉडी. तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट, व्हाट डिड ही मिस. तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को समझे कि क्या है, व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुश था, बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट, परंतु उसकी खुशी जो है कम्प्लीट नहीं थी. क्यों नहीं थी बच्चों? जैसे अभी हमने जो है अभी एक फ्लो चार्ट सा बनाया था मैंने, उसमें बताया था कि वो खुश था, फ्रूट्स थे उसके पास, सब कुछ था, एवरीथिंग, बट क्यों नहीं खुश था? क्योंकि उसके पास एक साथी नहीं था टू शेयर हिज फ्रूट, और शेयर जो है वो करना चाहता था, ये वॉन्टेड टू टॉक विथ समवन. क्लियर? आंसर क्या है, द मंकी वॉज हैप्पी इन हिज फ्रूट होम, ही हैड प्लांटेड टू ईट, अपनी चॉइस के फ्रूट खाता था, बट ही हैड नो कंपनी, कोई उसकी कंपनी नहीं थी, कोई कंपेनियन नहीं था, ही फेल्ट लोनली, अकेलापन जो है उसे फील करता था. ही नीडेड अ कंपेनियन
टू टॉक, बात करने के लिए, एंड ऑल्सो टू शेयर हिज फ्रूट्स। तो ये चीजें वो मिस करता था, एक साथी की जरूरत थी, एक कंपनी की जरूरत थी। तो यही क्वेश्चन है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री, बट हिज हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी थी वो अभी भी इनकम्प्लीट थी। क्यों थी? क्योंकि ही वॉन्टेड टू टॉक विथ समवन और वॉन्टेड टू शेयर हिज फ्रूट्स। क्लियर? तो बहुत ईजी है, अगर चैप्टर समझ में आता है तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन के आंसर्स देना। एनीवे, अभी हमने कई बार रिपीट कर दिए हैं, तो आई होप सारे बच्चों को आते होंगे आंसर। व्हाट इज द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट? तो ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसको ध्यान से देखें कि दोनों फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टू फ्रेंड्स कौन है बच्चों? एक मंकी है और दूसरा कौन है? क्रोकोडाइल। तो वो किस टाइप की बातें करते थे? तो अभी भी मैंने अभी जस्ट लिखा है कि द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फास्ट फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, एनिमल्स, दे आल्सो डिस्कस द डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स व्हेन द रेन फेल्ड। जब बारिश नहीं होती है तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जो विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, तो वो भी वो आपस में डिस्कस करते थे। कौन बच्चों? द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। क्लियर? तो कैसे बन गए थे वो? बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में बातें करते थे, एनिमल्स के बारे में बात करते थे, और दे ऑल्सो डिस्कस द डिफिकल्टीज ऑफ द फार्मर्स व्हेन द रेन फेल्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? अब यहाँ पे क्या? Why was the crocodile's wife? Crocodile की wife एक दिन क्यों गुस्सा हो रही थी? With her husband one day. क्यों हो रही थी? वो घर में कैसे आए थे? Late आए थे. One day the crocodile overstayed with the monkey. पर जो है के साथ थे monkey के साथ। His wife had no, और क्योंकि उसके छोटे छोटे क्या थे, यंग वंस थे, और उनको मैनेज करने के लिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी, दैट इज वाई शी वॉज अनॉयड। His wife had to manage the little ones alone, so she was annoyed with him. उसको गुस्सा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? क्यों नहीं वो चाहता था अपने दोस्त को अपने घर में जाना? Why was the crocodile unwilling to invite his friend crocodile? The crocodile's wife, क्योंकि उसकी crocodile की wife क्या चाहती थी? Wanted to eat the heart of the monkey. Crocodile refused to oblige her, क्योंकि उसने मना कर दिया था। He could not betray his best friend, क्योंकि वो नहीं चाहता था अपने दोस्त को धोखा देना। That and he shouted at her angrily, और पहले जो है किसे वो गुस्सा कर रहा था, that is why the crocodile unwilling to invite his friend home, right? इसीलिए वो नहीं चाहता था अपने दोस्त को बुलाना, क्योंकि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। He couldn't betray his first friend, he shouted at her angrily. Next question क्या है बच्चों? What did the crocodile tell the monkey mid stream? अब क्रोकोडाइल कहाँ गया उसको लेके? मिड स्ट्रीम। क्यों गया था? क्योंकि ही वांटेड टू अपनी वाइफ की विश को पूरा करने के लिए वो उसे मिड स्ट्रीम में ले गया था। अब वहां पे उसने क्या बताया उसे? लेट्स सी, द क्रोकोडाइल कुड नॉट डिसप्लीज हिज वाइफ, क्योंकि वो नहीं चाहता था अपनी वाइफ को डिसप्लीज, दुखी नहीं करना चाहता था, या कह सकते हैं कि उसको मना नहीं करना चाहता था, डिसप्लीज हिज वाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। वन डे ही लेट द मंकी सिट ऑन हिज बैक, जैसे आपने अभी बैठा था उसके ऑन हिज बैक, इसके क्रोकोडाइल के बैक में, एंड सेल्ड आउट, ही रीच द मिड स्ट्रीम, और जैसे ही मिडल ऑफ द स्ट्रीम वो पहुंचा था मिड स्ट्रीम, देन ही फेल्ड हिज इविल प्लान, ही एडमिटेड दैट ही मेंट टू किल हिम एंड टेक हिज हार्ट टू हिज वाइफ, और उसने अपना इंटेंशन बता दिया था उसको कि वो क्या चाहता है, टू किल हिम, और तुम्हारा क्या ले जाना चाहता है, हार्ट टू हिज वाइफ, क्योंकि उसकी वाइफ जो है शी कुडंट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। क्लियर? तो इसलिए उसने अपना जो इविल प्लान था वो किसको बताया? मंकी को बताया, और कहां पे बताया? जैसे वो मिड स्ट्रीम में पहुंचे तो उसने रिवील्ड हिज इविल प्लान,
और एडमिट कर लिया था कि ही एडमिटेड दैट ही मैन टू किल हिम एंड टेक हिज हार्ट टू हिज वाइफ। बच्चों क्लियर हो गए ये क्वेश्चन आंसर्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया। द मंकी वॉज सैड, ऑब्वियसली कई अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है और एक दोस्त जो है आपको धोखा दे रहा है, बिट्रे कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा और आप दुखी होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे भी मंकी वॉज सैड एंड टेरिफाइड और थोड़ा सा डर भी गया था क्योंकि उसको उनका इंटेंशन पता चल गया था। बट ही वॉज क्लेवर इनफ टू मेक अ प्लान टू सेव हिज लाइफ, परंतु वो थोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि मंकी कितने कनिंग होते हैं, चलाक होते हैं, क्लेवर होते हैं, तो उसने एक प्लान बनाया टू सेव हिज लाइफ। बट ही वॉज क्लेवर इनफ टू मेक अ प्लान टू सेव हिज लाइफ। अब क्या प्लान बनाया था, सबको पता है, आपको भी पता है। ही सेड दैट ही वुड ग्लैडली गिव अवे हिज हार्ट टू हिज फ्रेंड्स वाइफ। कॉन्फिडेंस लेके उसने कहा कि तुम्हारी वाइफ की लाइफ से या मेरे हार्ट से जो है कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री। तो उसने एक प्लान बनाया अपने आप की भाई कोई कंपैरिजन नहीं है आपकी वाइफ की लाइफ से और मेरे हार्ट के हार्ट से, और बट एक जो है क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली मैं अपना हार्ट कहाँ पे छोड़ के आया हूँ, ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री ऊपर छोड़ के। द स्टूपिड क्रोकोडाइल स्वैम बैक ऑन टू द ट्री और वो किसने वापस उसको लेके हार्ट कलेक्ट मंकीज हार्ट। द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड द सेव्ड हिमसेल्फ और इस तरह से उसने अपने होते हैं और किस तरह से उसने अपने प्लान से अपनी लाइफ को बचाया। क्लियर। अगर वो ये नहीं कहता कि मेरा हार्ट जो है पेड़ के ऊपर है तो क्या वो बचता बच्चों, ऑब्वियसली नहीं बचता। तो ही जम्प्ड ऑन द ट्री and thus saved himself. Clear? What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? The crocodile was in a fix. He wanted to make an excuse for his failure. He told his wife that the monkey would be reaching there soon with lots of fruits as well as his heart. So maybe abhi isme jo hai aisa clear nahi hai, to aap yahan pe kuch likh sakte hain. Would be reaches, जल्दी ही वो बहुत सारे फ्रूट्स के साथ और अपने हार्ट के साथ वो आएगा। और फाइनली द क्रोकोडाइल वुड मस्टर करेज टू टेल हर इन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव टर्म्स हाउ शी हैड स्पॉइल्ड अ गुड रिलेशनशिप, कैसे उसने एक अच्छी फ्रेंडशिप को खोया है, एंड देन वेयर एरियाज शी रियली had to improve and change herself. तो ये हमने अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। तो कल हमने ये क्वेश्चन आंसर करे थे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो कुछ बच्चों ने आंसर्स दिए थे, फागलपुर से बच्चों ने आंसर दिए थे, तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमने कर लिया है। फर्स्ट वन इज यू आर द मंकी एंजॉयड हिज लाइफ एज ही एट फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस। तो कल बच्चों ने कुछ कंफ्यूजन था तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लेट्स सी। तो कल कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे, कुछ आंसर्स गलत दे रहे थे। तो बच्चों जब हमने चैप्टर पढ़ा था, क्योंकि हम लाइन वाइज जो है एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, राइट। तो आंसर कौन सा होगा आपका, फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो आप लोग जो है चैप्टर को रीड करें केयरफुली, और जब चैप्टर को आप रीड करेंगे केयरफुली तो आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी और आपके माइंड में रहेगा। तो दिस इज द आंसर दैट क्वेश्चन। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन कंफ्यूजन कर रहे थे, क्या बोला था, एट द मिडल ऑफ द रिवर आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ तुम्हें मारने के लिए। क्लियर। तो जो बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे तो अभी मैंने आपको बता दिया कि यही सेम लाइन है कि एट फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस, तो दिस इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द वाइफ वॉज ग्रीडी, उसकी वाइफ क्यों ग्रीडी थी, क्या डिमांड थी उसकी, कि उसने डिमांड करी थी, डिमांडेड टू ईट मंकीज हार्ट, कल छवि फागलपुरमा से आंसर दिया था उसने. और थर्ड क्वेश्चन इज योर, ऑन रीचिंग द मिडल स्ट्रीम द क्रोकोडाइल अनाउंस, तो जब मिडिल में पहुंचे थे एट द मिडल ऑफ द स्ट्रीम और रिवर, तो क्रोकोडाइल ने क्या अनाउंस किया था कि आई विल किल यू नाउ. क्लियर? तो लवली ने आंसर दिया था फागलपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रोकोडाइल वॉज फुलिश एज ही टोल्ड द मंकी हिज सीक्रेट, ही कैरीड द मंकी टू द रिवर बैंक, ही कैरीड द मंकी ऑन हिज बैक, ही डिडंट कैरी द मंकी बैक. तो क्रोकोडाइल क्यों फुलिश था, क्या बताया था उसने, किसी को आता है इसका आंसर? जी आई सी कमलेश्वर, आप लोग माइक लीजिए और आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द क्रोकोडाइल फुलिश, फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख. क्यों मूर्ख था, क्या उसने अपना सीक्रेट बता दिया था इसलिए यहाँ पे लिखा है फुलिश था, या ही कैरीड द मंकी टू द रिवर बैंक, या ही कैरीड द मंकी ऑन हिज बैक, या ही डिडंट कैरी द मंकी. जी आई सी सियालदे, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज पवन. पवन, पवन टेल मी द करेक्ट आंसर. कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? आंसर मैम, आंसर बी. ही कैरी द मंकी टू द रिवर बैंक. उससे पहले उसने क्या बताया था उसको बच्चे, अपना सीक्रेट बताया था ना पवन? यस मैम. तो दिस इज द राइट आंसर. Yes, अगर वो अपना सीक्रेट नहीं बताता तो फिर कैसे उसको पता चलता मंकी को, राइट? राइट आंसर पवन, गुड ट्राई. ही टोल्ड द मंकी हिज सीक्रेट. तो यहाँ पे अभी पवन ने आंसर दिया है, वेरी गुड पवन. पवन ने आंसर दिया है सियाल दे से. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फ्रेज हीव द डीप साई मीन्स फेल्ट रिलीज्ड, फेल्ट रिफ्रेश्ड, पुट टुक आउट हॉट एयर, टुक अ डीप कोल्ड ब्रेथ. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, डीप साई लेना, किसी को आता है इसका आंसर? कोट कंडारा, ये ऐसे कोट कंडारा, आप लोग माइक लेके बताएं. हीव्ड अ डीप साई, जब वो पेड़ पे चढ़ गया था, जंप्ड ऑन द ट्री, तो कैसा फील कर रहा था वो, रिलीज हो गया था थोड़ा सा, या रिफ्रेश्ड हो गया था, या टुक आउट हॉट एयर, या टुक अ डीप कोल्ड ब्रेथ. तो चारों में से बिल्कुल क्लियरली जो है आंसर जो है इट इज रिटन या. तो कौन सा ऑप्शन सही है? जी आई सी कोट कंडाला. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आदित्य. आदित्य, आदित्य टेल मी द आंसर. नीम का डीप साई का मतलब क्या होता है बच्चे? ए, वेरी गुड. पढ़ो इसे, फेल्ट सील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, फेल्ट रिलीज. आदित्य बोलो, फेल्ट रिलीज, फेल्ट रिलीज, फेल्ट रिलीज. वेरी गुड आदित्य, आदित्य कोटकंडारा, आदित्य कोटकंडारा से आंसर दिया है, वेरी गुड, शाबाश. फेल्ट रिलीज. हाउ वॉज द मंकीज लाइफ ऑन द ट्री? अब मंकी कहाँ रहता था बच्चों? पेड़ के ऊपर रहता था. तो कैसी उसकी लाइफ थी? देयर वॉज नो वन लिव्ड अराउंड हिम, क्या उसके चारों तरफ कोई नहीं रहता था, या ही डिड नॉट लाइक टू टॉक विद अदर्स, या वो नहीं चाहता था किसी से बात करना, या नन ऑफ दीस. तो बिल्कुल क्लियरली जो है आंसर इज रिटन हियर. तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जीआईसी सियालदे. माइक
माइक लीजिए. हाउ वॉज द मंकी लाइफ ऑन द ट्री? गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? हिमानी. हिमानी, हिमानी कौन सा वाला ऑप्शन सही है बेटा? आंसर ए. आंसर ए, वेरी गुड हिमानी, वेरी गुड. हिमानी सियालदे से आंसर दिया, वेरी गुड. क्योंकि उसके जैसा था वो लोनली था, कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन लिव्ड अराउंड हिम, उस पेड़ के पास कोई नहीं रहता था. तो अभी हिमानी ने आंसर दिया सियालदे से, वेरी गुड हिमानी. तो अभी पवन ने, आदित्य ने, हिमानी ने आंसर दिए, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस लाइन, आई डिड कम हियर सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. किसने बोला था बच्चों ये कि मैं यहाँ पे क्या ढूंढने आया हूँ, सर्च करने फूड अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए? किसने बोला था बच्चों? वेरी इजी, मंकी, क्रोकोडाइल या टाइगर? किसने बोला था कि मैं यहाँ पे भोजन की खोज में आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए? हु सेड दिस फ्रेज? जीआईसी कोट कंडारा. किसने बोला था बच्चों? मैं भी, क्रोकोडाइल. वेरी गुड. किसने बोला आंसर? व्हाट इज योर नेम? आदित्य. आदित्य, वेरी गुड आदित्य, वेल डन. आदित्य कोट कंडारा से अभी आंसर दिया, वेरी गुड. सब बच्चों को आना चाहिए ये आंसर, इट इज वेरी इजी, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु ऑफर्ड फूड टू हिम? किसने उसको फूड दिया था? हु ऑफर्ड डिलीशियस फ्रूट्स? किसने दिए थे? मंकी ने क्रोकोडाइल को दिए थे, क्रोकोडाइल ने मंकी को दिए थे, या क्रोकोडाइल टू हिज वाइफ? किसने दिए थे? जीआईसी सियालदे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? रेणुका. रेणुका, रेणुका कौन सा आंसर सही है बेटा? ए. कौन सा है बेटा? ऑप्शन ए. पढ़ो बेटा इसको, रेणुका. द मंकी, द मंकी टू क्रोकोडाइल. वेरी गुड रेणुका, क्रोकोडाइल. वेरी गुड. अभी रेणुका ने आंसर दिया है, वेरी गुड. चल दे, मंकी ने किसको दिए थे? क्रोकोडाइल को दिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभी रेणुका ने दिया सियालदे से, वेरी गुड रेणुका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोकोडाइल फाउंड द फ्रूट्स, कैसे लगे उसको फ्रूट्स? टेस्टी या डिलीशियस या कड़वे बिटर? तो क्या बोला था उसने बच्चों, जैसे उसको मिले थे फ्रूट्स, द क्रोकोडाइल फाउंड द फ्रूट्स, तो क्या बोला था उसने फ्रूट्स के लिए? कड़वे बोले थे या डिलीशियस बोले थे या टेस्टी वर्ड यूज किया था? कौन सा वर्ड यूज करा था? जीआईसी कोट कंडारा. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अनुराग. अनुराग, अनुराग क्या बोला था उसने? क्रोकोडाइल फाउंड द फ्रूट. मैम बी. बी डिलीशियस बोला, डिलीशियस. डिलीशियस, डिलीशियस. फूड कंडारा ना. तभी अनुराग ने आंसर दिया है, वेरी गुड. बच्चे, सारे बच्चे इसी तरह से पार्टिसिपेट करें एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. डिलीशियस, तो क्रोकोडाइल ने क्या बोला था? फ्रूट्स आर डिलीशियस. हु डिड नॉट लाइक द फ्रेंडशिप ऑफ मंकी विद द क्रोकोडाइल? सारे बच्चे कोशिश करें आंसर देने की. तो किसको पसंद नहीं थी फ्रेंडशिप मंकी की और क्रोकोडाइल की? किसको पसंद नहीं थी बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन है अनदर मंकी, मीन्स दूसरा कोई बंदर था, या क्रोकोडाइल की वाइफ को उसकी फ्रेंडशिप नहीं पसंद थी, या थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इज योर टाइगर. कौन सा सही है बच्चों? सियालदे, जीआईसी सियालदे.
गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज प्रियांशु. प्रियांशु. प्रियांशु कौन सा आंसर सही है बेटा? ऑप्शन नंबर बी. बी. वेरी गुड. पढ़ो इसको. क्रोकोडाइल्स वाइफ. पढ़ो इसे. क्रोकोडाइल्स वाइफ. वेरी गुड. क्रोकोडाइल की वाइफ. एपोस्ट्रॉफी कैसे इसमें? का की. राइट. वेरी गुड प्रियांशु. प्रियांशु तो बच्चे बच्चों ने जो है आंसर्स दिए हैं. सारे बच्चे सीधे से आंसर्स दें. वेरी गुड बच्चों. वेल डन. और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेंट फ्रूट्स फॉर क्रोकोडाइल्स वाइफ एवरी डे. तो बच्चों ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए कौन फ्रूट्स भेजता था एवरी डे. रोज कौन भेजता था बच्चों? क्रोकोडाइल भेजता था या मंकी भेजता था या टाइगर? जीआईसी सियाल दे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. बट व्हाट इज योर नेम? मिस राहिल. राहिल. राहिल कौन सा? राहिब. राहिब. क्रोकोडाइल ने या मंकी ने या टाइगर ने? किसने भेजे थे बच्चे? मंकी ने. मंकी ने. वेरी गुड राहिब. वेरी गुड. अभी राहिब ने आंसर दिया है मंकी ने क्या करा था. मंकी सेंड फ्रूट्स फॉर क्रोकोडाइल्स वाइफ एवरी डे. अगर बच्चों आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत हेल्प मिलेगी. क्लियर? तो काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड. तो सारे बच्चे इसी तरह से कोशिश करें. अभी राहिब ने आंसर दिया सियाल दे से मंकी सेंड फ्रूट्स फॉर क्रोकोडाइल्स वाइफ एवरी डे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट डिड द वाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल वॉन्ट. अब क्रोकोडाइल की वाइफ क्या चाहती थी? कौन बताएगा आंसर? जीआईसी राणा कोट माइक लेके आप आंसर दीजिए. वाइफ क्या चाहती थी? फ्रूट्स चाहती थी या हार्ट ऑफ मंकी चाहती थी या फिशेस चाहती थी या लीवर ऑफ द मंकी? आप ऐसे करके आंसर दीजिए. फिर राणा कोट के बच्चे देना चाह रहे हैं आंसर. कोई बात नहीं, माइक आपका वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली. तो आप लोग जो है फिंगर से बताएं. वन ऑप्शन, टू ऑप्शन, थ्री ऑप्शन या फोर ऑप्शन इज राइट. ऐसे करके बताएं. वन टू थ्री. जी आई सी सियाल दे आप बताएं आंसर. जी आई सी सियाल दे. व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? रोहित. रोहित. रोहित बताओ कौन सा आंसर सही है इसका? आंसर बी. आंसर बी. पढ़ो इसको. हार्ट ऑफ द मंकी. हार्ट पढ़ो इसको. वेरी गुड रोहित. रोहित ने आंसर दिया है सियाल दे से. वेरी गुड रोहित. हार्ट ऑफ द मंकी. शी वांटेड टू ईट. क्लियर? तो अभी रोहित ने आंसर दिया. वेरी गुड बच्चों. सियालदे और कोटकंडारा से बच्चों ने आंसर दिया. वेरी गुड बच्चों. वेल डन. कीप इट अप. व्हाट अ फुलिश थिंग टू से. हु शाउटेड टू हु. कौन किसके ऊपर चिल्लाया था? व्हाट अ फुलिश थिंग टू से. कि तुमने ये क्या बोला है. जब उसकी वाइफ ने बोला था ना कि आई वॉन्टेड टू ईट योर फ्रेंड्स हार्ट. तो किसने बोला था? व्हाट अ फुलिश थिंग टू से. हु शाउटेड टू हिम. कौन किसके ऊपर चिल्लाया था? क्रोकोडाइल शाउटेड टू हिज वाइफ. क्या क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाया था? क्या क्रोकोडाइल शाउटेड टू मंकी या मंकी के ऊपर चिल्लाया था या क्रोकोडाइल शाउटेड टू क्रोकोडाइल? कौन सा आंसर है बच्चों? जीआईसी कोट कंडारा. कौन चिल्लाया था? किसके ऊपर चिल्लाया था? हु शाउटेड टू हुम. क्रोकोडाइल टू हिज वाइफ या क्रोकोडाइल टू मंकी या क्रोकोडाइल शाउटेड टू मंकी? जीआईसी कोट कंडारा. मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? मैम. मैम माय नेम अनुराग. अनुराग. अनुराग कौन सा आंसर सही है बच्चे?
मैम आंसर सी. आंसर सी. सी क्यों है भाई? फिर से सोच के बताओ मुझे, एक मिनट अभी मैं आपको बताती हूँ. मैम आंसर ए. वेरी गुड, आंसर ए है क्योंकि उसने बोला था ना कि आई वॉन्टेड टू ईट योर फ्रेंड्स हार्ट, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा आया था उसको अपनी वाइफ के आगे अपने ऊपर, तो उसने बोला था व्हाट ए फुलिश थिंग टू से, कि तुम ये क्या मूर्ख वाली बातें कर रही हो. क्लियर? तो अभी अनुराग ने आंसर दिया द क्रोकोडाइल शाउटेड टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के ऊपर शाउट किया था. इन द बिगनिंग द क्रोकोडाइल वॉन्ट टू इन्वाइट मंकी. अब क्यों उसको इन्वाइट किया था मंकी? Because he did not want to harm his friend monkey, yeah, he did not have enough food, yeah, he was afraid of the monkey. तो कौन सा ऑप्शन सही है, कि वो नहीं चाहता था अपने दोस्त मंकी को हार्म करना, या he did not have enough food, या उसके पास ज्यादा फूड नहीं था, या he was afraid of the monkey, या उसे डर लगता था मंकी से. तो क्या आंसर है इसका? The crocodile want to invite monkey because, कौन सा वाला ऑप्शन सही है बच्चों? तो एनीवे इसका आंसर है कि he didn't want to harm his friend monkey. क्लियर? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, और यहाँ पे आज बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं सियालदे और कोट कंडारा के बच्चों ने. तो वेरी गुड बच्चों, वेल डन. और इसी तरह से सारे बच्चे जो है आंसर देने की कोशिश करें. तो रीड द चैप्टर एट होम, सारे बच्चे जो है रीड करेंगे, और कहीं पे भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करें. तो जैसे आज बच्चों ने आंसर दिए सारे बच्चे कोशिश करें. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.